हैरिसन मलयालम निचले स्तरों से खरीदारी, बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर हैरिसन मलयालम पलट गया निचले स्तरों से आज। इसमें मूव था कल के सत्र में, लेकिन शुरुआती सत्र में थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा था, अब तेज हुआ है स्टॉक। आशीष जी फटाफट से एक बार हैरिसन मलयालम देख के बताएं, और दूसरा स्टॉक है कॉस्मो फिल्म्स जो सुबह से बहुत एक्टिव है, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? पहले हैरिसन मलयालम की बात करते हैं, करीबन 6% का मूव है, 93 स्टॉक ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा, अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 98 तक जाने की संभावना है। स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए इसका 91.5 का होना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने बोला कॉस्मो फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो कॉस्मो फिल्म से करंटली ट्रेडिंग ये 457 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूँ कि ये फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि इसने जो रिसेंट लो हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2016 में, उसका जो तोड़ते हुए नजर आया, तो फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा 449 का होना चाहिए, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है नया पूरा टेरिटरी है, तो यहाँ से 6 से 7% का मूव दिखाई देगा। चलिए।